Welcome back to all of you guys. Welcome to another video of MS Biology. In this video lecture, I am going to discuss about one of the most important topic of genetics, known as the variations in chromosomal number, or also known as the abnormalities in chromosomal number, or also known as the aberrations in chromosomal number. Okay, so basically, from these topics, in every competitive examination, so many questions has been asked in previous year papers. Okay, so in this video lecture, I am going to discuss about the concept of the nullisomy and monosomy, trisomy, tetrasomy, and the syndromes caused by these disorders, like the Down syndrome, Patown syndrome, Edwards syndrome, Turner syndromes, and Klinefelter syndromes. Okay, so आज का video काफी ज़्यादा आपके लिए important होने वाला है, और यहाँ पे आपको theoretical कम, आपको conceptual जो चीजें होंगी वो ज़्यादा समझनी होंगी, क्योंकि सारा कुछ आपका formula based होता है, और आपको यहाँ पे chromosomes के numbers को याद रखना होता है कि किसमें घट रहा है, किसमें बढ़ रहा है, राइट, और उनकी किनका क्या फॉर्मूला होता है, कैसे आप इसको निकाल पाएंगे, ये सारी चीजें हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं. ओके, सो बेसिकली वेरिएशंस इन क्रोमोसोम नंबर का मतलब क्या होता है, कि जो नॉर्मल हमारा कंप्लीट सेट होता है, जैसे जो भी हमारा जीनोम है, अगर उसमें कोई भी अल्टरेशन आ जाए, चाहे वो क्रोमोसोम का नंबर आपका क्या हो, घट जाए या फिर आपका नंबर आपका बढ़ जाए, पूरी कंप्लीट सेट आपका मतलब पेयर के फॉर्म में भी घट सकता है, या कोई एक पेयर का एक सिंगल क्रोमोसोम भी आपका घट सकता है, राइट. तो ऐसे सिचुएशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द वेरिएशंस इन क्रोमोसोमल नंबर, और सिंपली हम कह सकते हैं दैट इज द एबरेशंस इन क्रोमोसोमल नंबर. ओके, तो यहाँ पर बेसिकली कुछ टर्म्स डिसाइड किए जाते हैं, जैसे कि सिंपली अगर आपको यूप्लॉयडी, एनिमोप्लॉयडी, पॉलीप्लॉयडी, ये नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, सो इन सब का मतलब क्या होता है, इनको हम वन बाई वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं. ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेरिएशंस इन क्रोमोसोमल नंबर का मतलब क्या है, कि सपोज कि अगर नॉर्मल कोई क्रोमोसोम्स का सेट आपको इस तरीके से दिखाया जा रहा है, राइट, ये कंप्लीट सेट है जिसमें कि ये नॉर्मल है, अब अगर इसमें कोई भी अल्टरेशन हो जाए, चाहे वो ये एक्स, अभी आप यहाँ पे एक्स को एक्स एक्स क्रोमोसोम नहीं समझिएगा, सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन है, चाहे ये क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाए, इस तरीके से ट्रिपल हो जाए, ये भी एबनॉर्मलिटीज की कंडीशंस में आएगा, या फिर ये क्रोमोसोम का नंबर आपका सिर्फ एक रह जाए, यहाँ पे जीरो हो जाए, नॉट हो जाए, ये भी क्या कहलाएगा, एबनॉर्मलिटीज कहलाएगा, दैट मीन्स वेरिएशन इन क्रोमोसोमल नंबर कहलाएगा. ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि ये वेरिएशन क्यों हो रहा है, उसके पीछे का जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो जो इंडिविजुअल होगा उसमें कौन कौन से डिजीज या कौन से सिम्टम्स या सिंड्रोम्स दिखाई देंगे, या किस चीज से वो सफर करेगा, ये सारी चीजें हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सो वेरिएशंस और एबरेशंस और अबनॉर्मलिटीज, ये तीनों टर्म्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं ऐसे केसेस के लिए जहाँ पे जो क्रोमोसोम्स का नंबर हो वो किसी इंडिविजुअल का जो नॉर्मल सेट है उससे क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, दैट मीन्स आइदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल नंबर हो जाए या फिर आपके डिफिशियंसी वाले हो जाए, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, वेरिएशंस और एबरेशंस और एबनॉर्मलिटीज इन क्रोमोसोमल नंबर. ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बेसिकली क्या डेफिनेशंस क्या कह रहा है यूप्लॉयडी. ओके, पहले इसको हम रफ कर देते हैं. यूप्लॉयडी को डिफाइन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए प्लॉयडी का मीन क्या होता है, राइट. तो प्लॉयडी जो टर्म लिया गया वो बेसिकली बताता है सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में. सपोज अगर कोई भी यूकैरियोटिक सेल्स है और ये उसका न्यूक्लियस है, और मान लीजिए ये आपका पूरा साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन है, तो इस किसी भी इंडिविजुअल का जो क्रोमोसोम्स होता है वो हमेशा पेयर के फॉर्म में होता है, राइट. जैसे सपोज अगर ये एक क्रोमोसोम्स है तो इसका होमोलॉगस क्या होगा, इस तरीके से होगा. दूसरा सेट मान लीजिए अगर आपका ये है तो इसका होमोलॉगस क्या होगा, इस तरीके से होगा. तीसरा अगर आपका ये क्रोमोसोम है तो इसका पेयर क्या होगा, इस तरीके से होगा. तो ऐसे ही जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होमोलॉगस के फॉर्म में होते हैं, मीन्स पेयर के फॉर्म में होते हैं. तो प्लॉयडी का मतलब होता है यही, दैट इज द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ एन इंडिविजुअल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. किसी भी इंडिविजुअल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो क्रोमोसोम का सेट होता है उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द प्लॉयडी, राइट. U means होता है true, जैसे आप यूकैरियोटिक पढ़ते हैं तो true cells पढ़ते हैं, prokaryotic means false sets cells या फिर incomplete cells के बारे में पढ़ते हैं, तो U हमेशा क्या represent करता है, that is the true, right? यूप्लॉयडी का मतलब ये हुआ कि ऐसा conditions जहां पे individual के nucleus में chromosomes सब कुछ क्या हो, complete set के form में पाए जा रहे हो, मतलब वहां पे कोई extra या deficiency वाला case ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, that is the यूप्लॉयडी. Hopefully आपको ये समझ में आया होगा. See, basically जब किसी भी इंडिविजुअल्स के न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स होंगे वो पेयर के फॉर्म में होंगे, लाइक दैट, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक पेयर आपका ये हो गया, एक पेयर आपका ये हो गया, एक पेयर आपका ये हो गया. ऐसे पेयर के फॉर्म में अगर सेट के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो उस सिचुएशंस को हम क्या बोलेंगे, दैट इज द यूप्लॉयडी. नॉर्मल जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें की कोई एबनॉर्मलिटीज नहीं है वो बेसिकली यूप्लॉयडी के फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं.
यूप्लॉइडी फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन होगा, राइट। अब यहाँ पे टर्म आता है इनयूप्लॉइडी, ये आपका एक एबनॉर्मलिटीज है। कैसा एबनॉर्मलिटीज है, जहां पर आपको बताया जा रहा है कि ये जो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स था उसमें से या तो इस पेयर में से कोई एक क्रोमोजोम मिसिंग हो या पूरा का पूरा पेयर ही आपका क्या हो जाए, मिसिंग हो जाए, तो ऐसे सिचुएशंस को जेनेटिक्स के टर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द इनयूप्लॉइडी। सो इनयूप्लॉइडी इज द कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल इन विच इधर वन सेट इज कंप्लीटली मिसिंग और वन सिंगल क्रोमोजोम ऑफ अ पेयर इज ऑल्सो कैन बी मिसिंग, राइट। तो बेसिकली एक ऐसा सिचुएशन, जैसे सपोज मैं आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूं कि ये एक सेट ऑफ क्रोमोजोम्स है, ये दो सेट ऑफ क्रोमोजोम्स है, राइट। इसको मैं नंबरिंग कर दूं, मान लीजिए ये वन है और ये आपका क्या है, दैट इज अ टू है। तो एनोप्लॉइडी का मतलब क्या हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकते हैं कि पहला सिचुएशन तो आपका ये बन सकता है कि इस फर्स्ट वाले में से एक ही क्रोमोजोम रह जाए, बाकी आपका दूसरा वाला एज इट इज इस तरीके से हो, तो आप इसको बोल सकते हैं। दूसरा कंडीशन आपका ये बन सकता है कि ये पूरा का पूरा जो सेकंड वाला ग्रुप था वो आपका क्या हो जाए, पूरा के पूरा ही मिस हो जाए, मतलब ये जीरो हो जाए। इस सिचुएशंस को भी आप क्या बोल सकते हैं, एनोप्लॉइडी। एनोप्लॉइडी का मतलब हुआ ऐसा सिचुएशन जहां पे किसी भी इंडिविजुअल का जो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स था उसमें से या तो एक पेयर का एक क्रोमोसोम मिसिंग हो जाए या पूरा का पूरा पेयर ही मिसिंग हो जाए, ऐसे सिचुएशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज अ एनोप्लॉइडी। होपफुली ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, राइट। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये एनोप्लॉइडी जो होता है वो हो कैसे रहा है। आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में कोई भी चीज मैन्युपुलेटर फॉर्म में नहीं होते, सब कुछ स्पॉन्टेनियस हो रही है, राइट। मतलब आपको पता नहीं है कि आपका जो सेल्स है वो कैसे डिवाइड कर रहा है, कब डिवाइड कर रहा है। ऐसा होता है क्या कि जब आपको सेल डिवाइड करना हो तो पूछे कि हाँ हम भैया सेल डिवाइड करना चाह रहे हैं, डिवाइड करने का आपका मन है या नहीं, या आपने खाना खाया तो क्या आपके स्टमक के सारे जो एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं डाइजेशन में, ट्रिप्सिन है, कैमोट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, क्या वो आपसे परमिशन लेते हैं कि नहीं हमें अभी आपको कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्ट करना है या नहीं करना है, नहीं। सो बायोलॉजिकल सिस्टम में जितने भी, बेसिकली बायोलॉजिकल एक ओपन सिस्टम होता है जहाँ पे एनर्जी और मास दोनों का एक्सचेंज ऑटोमेटिकली होता रहता है, राइट, स्पॉन्टेनियसली। तो जो भी प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रही है वो सब केमिकल रिएक्शन वो सब स्पॉन्टेनियस है। तो ऐसे ही जब ये नॉर्मल कंडीशन है तो इस नॉर्मल कंडीशन से ये अबनॉर्मल कंडीशन कैसे बना, इसके पीछे का जो बायोलॉजी है वो क्या है, क्या कहता है कि क्या सिचुएशन है कि कब आपका ये एनोप्लॉइडी बन सकता है, राइट। तो यूप्लॉइडी क्या करेगा, आपका रिप्रेजेंट करेगा नॉर्मल कंडीशंस को, एनोप्लॉइडी क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा अबनॉर्मल कंडीशंस को। ओके, अभी हम देखते हैं कि बेसिकली जनरेट कैसे होता है, जनरेशन ऑफ एनोप्लॉइडी मीन्स किस तरीके से ये फॉर्म होता है। नॉर्मल अगर हम लोग बात करें कि सपोज अगर आपका ये एक सेल है और इसके पास यहाँ पे क्या है, दो क्रोमोजोम्स के पेयर हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको आप एक्स नहीं समझिएगा, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, राइट। अब अगर यहाँ पे इसका डिवीजन होता है, सपोज मियोसिस सेल डिवीजन हो रही है जो कि जनरेशन में ट्रांसफर होने वाला है, तो मियोसिस जब सेल डिवीजन होगा तो बेसिकली पहला फर्स्ट वाले पे क्या होगा, यहाँ पे दो सेल्स बनेंगे, राइट। तो दो सेल्स में आपकी उम्मीद की जाती है कि बेसिकली जैसा कि आपको मालूम है कि मियोसिस में डिवीजन होने के बाद आपका क्या होगा, सिंगल सिंगल जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो चले जाते हैं, तो एक पेयर इसमें चला जाएगा, एक पेयर इसमें चला जाएगा, राइट। ये पेयर के फॉर्म में है, दैट इज व्हाई मैं यहाँ पे टू लिख रहा हूँ, आप इसको डबल फोर क्रोमोजोम नहीं समझिए, ये दो पेयर है, राइट। फिर से इसके बाद आपका जब मियोसिस सेकंड होगा तो यहाँ से फिर क्या होंगे, आपके दो सेल्स बनेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मियोसिस सेकंड में कोई भी रिडक्शन डिवीजन नहीं होता, तो एग्जैक्टली वही बन जाएगा, मतलब यहाँ पे एक्स एक्स मतलब एक पेयर इसमें रहेगा, एक पेयर इसमें रहेगा, राइट। तो और यहाँ पे भी अगर होगा तो सेम वही चीज हो जाएगा, ये आपके नॉर्मल कंडीशन है। ओके, नॉर्मल कंडीशन में जो सेल डिवाइड हो रहा है आपका मियोसिस से, वो इस तरीके से हो रहा है कि जो पेरेंटल क्रोमोजोम्स होते हैं इसका हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स किसमें हो जाता है आपका, दैट इज द बनने वाली प्रोजेनी सेल्स में। ओके, इसे आप रिडक्शन डिवीजन के नाम से भी जानते हैं, इसको आप मियोसिस फर्स्ट बोलते हैं और इसको आप मियोसिस सेकंड बोलते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं जबकि मियोसिस सेकंड को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोजोम एज इट इज सेम रहते हैं जो कि उनका प्रोजेनी सेल्स होती है। ओके, तो ये है आपका नॉर्मल कंडीशंस। ओके, अगर इस नॉर्मल कंडीशंस में एक फेनोमेना होता है जिसे बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन, क्या बोलते हैं, नॉन डिसजंक्शन। अगर ये वाली जो प्रोसेस होती है, डिसजंक्शन का मतलब होता है सेपरेस होना, राइट। जब आप मियोसिस पढ़ते हैं तो आपको दिखाया जाता है कि मेटाफेज आने पर सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेन पे क्या होते हैं, ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं, लाइक दैट। ओके,
तो यहाँ पे एनाफेज में क्या होती है, क्रोमोजोम्स की पूलिंग होती है, जिसकी वजह से सिंगल सेट ऑफ जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो हाफ पोल पे चले जाते हैं, जबकि दूसरा वाला जो होता है वो क्या होता है, अनदर पोल पे चला जाता है। होपफुली ये आपको चीजें समझ में आई होंगी और आपको पता भी होगा कि मेटाफेज पे कैसे क्रोमोजोम्स का ओरिएंटेशन होता है। इसी को आप बोलते हैं दैट इज इक्विटोरियल प्लेन, राइट। और ये आपका यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रियोल होता है, जिससे स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, ये निकलते हैं। ओके, तो इसके बाद जो ये आपका मेटाफेज का मैंने अरेंजमेंट दिखाया, और मेटाफेज के बाद आपका क्या होता है, एनाफेज आता है, जिसमें कि पूरी की पूरी पुलिंग हो जाती है। ऐसे क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं, राइट। उसी को बोलते हैं डिक्जंक्शन। नॉन डिक्जंक्शन का मतलब होता है कि ये जो पुलिंग की प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से ना हो, मिस हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं नॉन डिक्जंक्शन। तो अगर मियोसिस के फर्स्ट स्टेज में ही नॉन डिक्जंक्शन हो जाएगा तो सिचुएशन क्या बनेगी, जो क्रोमोजोम सेपरेट होने वाला था वो सेपरेट नहीं होगा, तो आपका जो सिचुएशन बन जाएगा कैसा बन जाएगा, कि सारे के सारे क्रोमोजोम्स क्या होंगे, इस एक वाले सेल्स में क्या होंगे, चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो जीरो हो जाएगा। तो ये केस हुआ ना जहाँ पे कि बेसिकली आपका क्रोमोजोम का नंबर बढ़ गया, राइट। तो जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि बढ़ भी सकता है, या मतलब घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, कंप्लीट या सिंगल भी, राइट। तो एक सिचुएशन आपका ये बनता है कि मियोसिस फर्स्ट पे अगर आपका नॉन डिजंक्शन हो जाएगा तो एक जो सेल्स होगी वो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स को हायर कंटेन करेगी, जबकि एक में डिफिशियंसी हो जाएगी, मीन्स रहेगा ही नहीं, एब्सेंस हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्रोमोजोम का सेपरेशन नहीं हो पाया प्रॉपर तरीके से। दूसरा सिचुएशन आपका ये बनता है, ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि अगर मियोसिस फर्स्ट पे नॉन डिजंक्शन होता है तो क्या बनेगा, तो सेल्स ऐसा बनेगा जिसमें एक सेल्स में क्या होगा, कंप्लीट जो पेरेंटल वाला पूरा क्रोमोजोम था वो सारा एक ही में ट्रांसफर हो जाएगा, जबकि दूसरी वाली क्या होगी, क्रोमोजोम की एब्सेंस होगी, मतलब वो सेल्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, तो एक केस आपका ये बनेगा। दूसरा अगर का केस आपको यहाँ पे दिखाएं इसको नॉर्मल बना करके फिर से, तो दूसरे केस में क्या होगा, सपोज ये नॉर्मल था, अब अगर यहाँ पे मियोसिस सेकेंड में नॉन डिजंक्शन होता है तो कंडीशंस क्या बन जाएगा, ये क्रोमोजोम आपका बेसिकली सिर्फ एक में चला जाएगा, यहाँ पे सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे कोई भी फिर से डुप्लीकेशन वाली प्रोसेस या सेग्रीगेशन वाली प्रोसेस नहीं होगी। तो इस वजह से दैट मींस जो मियोसिस सेल डिवीजन की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में जो क्रोमोसोम्स का जो सेग्रीगेशन होता है, अगर उस सेग्रीगेशन के प्रोसेस में अब नॉर्मलिटीज आ जाएगी, इधर एट द स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट या फिर एट द स्टेज ऑफ मियोसिस सेकेंड, तो इसकी वजह से क्रोमोसोम्स के नंबर में क्या होता है, अल्टरेशंस आ जाते हैं। उन्हीं अल्टरेशंस को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, दैट इज द एनोप्लॉयडी बोलते हैं। सो सिंपल, आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछा सकता है कॉजेज ऑफ एनोप्लॉयडी इज, सो आपको आंसर में क्या लगाना रहेगा, दैट इज द नॉन डिक्जंक्शंस, मे बी आइदर मियोसिस फर्स्ट एट द स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट और फिर मियोसिस सेकेंड, इन दोनों के स्टेज पर आपका ये प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से ये एनोप्लॉयडी का जो कंडीशन होगा वो क्या होगा, जनरेट आउट होगा। ओके, सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि हाँ एनोप्लॉयडी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है और किस तरीके से आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में वो जनरेट हो रहा है, उसके पीछे का जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ओके, तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब इसको रफ कर देते हैं ताकि स्पेस रहे कुछ भी समझाने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे टाइप्स ऑफ एनोप्लॉयडी, कितने टाइप्स के एनोप्लॉयडी हो सकते हैं और क्या उनका कॉन्सेप्ट होता है। ओके, तो सबसे पहला आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, दैट इज द नलिसोमी। नलिसोमी एक ऐसा एनोप्लॉयडी का कंडीशन है जहां पर बेसिकली हम इसको फॉर्मूला से प्रिंट करते हैं 2n-2। ओके, इस फॉर्मूले का मतलब क्या, ये बहुत बार आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया, लाइक एज आईसीआर एआरएस नेट अगर आप लोग देते हैं तो उसमें भी पूछा गया, पीजीटी के जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं बायोलॉजी के या फिर और भी, उन सब में भी बहुत बार पूछा गया, सीएसआईआर के एग्जाम में भी पूछा गया। तो ये फॉर्मूले आपको याद में रखने होंगे, ये जेड नहीं है, ये टू है, 2n-2। 2n का मतलब होता है कंप्लीट डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, और उसमें से अगर टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाए, डिफिशियंस हो जाए, तो ऐसे सिचुएशंस को हम क्या बोलेंगे, नलिसोमी। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपना एग्जांपल लें ह्यूमन का, तो हमारे पास 2n का नंबर कितना होता है, हमारे पास n का नंबर कितना है, 23। तो 2 × 23 − 2 दैट मींस कितना हो जाएगा, 46 − 2 इज इक्वल टू 44। तो ये जो कंडीशन होगा वो क्या कहलाएगा, दैट इज अ नलिसोमी। सो नलिसोमी जेनेटिक्स में एक ऐसा कंडीशन है, एक ऐसा टर्म है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी भी इंडिविजुअल का जो कंप्लीट डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, उनके नंबर से दो नंबर आपका क्रोमोजोम से अगर क्या हो जाए, लैक कर जाए, डिफिशियंसी हो जाए, तो ऐसे सिचुएशंस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द नलिसोमी।
ओके तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2n-2। ओके सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है सिचुएशन, दैट इज द मोनोसोमी। ओके मोनोसोमी का मतलब होता है ऐसा सिचुएशन जहां पे कंडीशन आपके क्या बनते हैं 2n-1 के, 2n-1 मीन्स कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम से एक नंबर ऑफ क्रोमोजोम से अगर क्या होगा कमी हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे मोनोसोमी। फिर से वही एग्जांपल लेते हैं तो 46 मतलब आपका 2n की वैल्यू हो जाएगी, माइनस 1 हो जाएगा तो क्या बनेगा दैट इज 45। 45 अगर नंबर ऑफ क्रोमोजोम से अगर किसी इंडिविजुअल में दिखा रहा है या अगर किसी वजह से हो गया है तो वो इंडिविजुअल मोनोसोमी जो डिसऑर्डर होगा उससे क्या करेगा सफर करेगा, जबकि यहाँ पे आपने देखा कि वहां पे 2 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स क्या होंगे डिफर हो जाएंगे, तो 2n-2 एंड 2n-1। ओके इसके बाद आपका आता है ट्राइसोमी, स्पेलिंग ये थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे ओ होना चाहिए। ट्राइसोमी का मतलब होता है 2n+1। ओके 2n+1 means complete set of chromosomes के number में एक chromosomes का क्या हो जाए इजाफा हो जाए तो इसको आप क्या बोल सकते हैं that is a 47, right? तो ये condition आपका क्या कहलाएगा that is a trisomy, okay? So nullisomy, monosomy, trisomy, ये spelling mistake है यहाँ पे वो रहेगा trisomy। इसके बाद आता है आपका tetrasomy, तो tetrasomy का भी formula जो होगा वो क्या हो जाएगा that is 2n+2। टेट्रासोमी और नलिसोमी जस्ट एक दूसरे के रिवर्स हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होगा जस्ट डबल हो जाएगा, तो 46+2 इज इक्वल टू 48, राइट। तो ये आपका जो होगा क्या होगा दैट इज अ टेट्रासोमी का एग्जांपल होगा। तो नलिसोमी का एग्जांपल क्या हो गया मैं आपको यहाँ पे मैच करा देता हूँ, आपको कभी कभी दे भी सकता है। नलिसोमी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2n+-2, मोनोसोमी का हो जाएगा 2n-1, ट्राइसोमी को हो जाएगा 2n+1 और टेट्रासोमी को हो जाएगा दैट इज 2n+2। ओके तो ये आपके एबनॉर्मलिटीज हैं जो कि आपके जेनेटिकल टर्म्स में पूछे जाते हैं कि क्या क्या इनका मतलब होता है, दैट इज ट्राइसोमी, नलिसोमी, मोनोसोमी, इनका क्या मतलब होता है, राइट। और आपको इनसे डिजीज के नाम भी पूछे जाते हैं और आपसे इनसे क्रोमोसोम पे किस क्रोमोसोम पे हो रहा है, कौन सी डिजीज हो रही है, ये भी आपसे पूछे जाते हैं। तो आपसे सवाल जो यहाँ पे बनेगा पहला ये इनका फॉर्मूला आपको पूछ के दे दिया जाता है या क्रोमोसोम का आपको नंबर दे दिया जाएगा अरेंज करके जिसे आप कैरियोटाइप बोलते हैं, उसको देख करके आपको बताना रहेगा कि ये इंडिविजुअल किससे सफर करता है, नलिसोमी से, मोनोसोमी से या ट्राइसोमी से। ओके सो बेसिकली अब हम लोग देखेंगे कि ये जो कंडीशंस हैं, इन कंडीशन से कौन कौन से फाइनली सिंड्रोम या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अगर आपने ये नहीं लिया तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए क्योंकि आपको ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको एग्जाम के लिए क्या करेगा हेल्प करेगा। ओके ओके बाकी अगर आपको इनको क्रोमोसोम के डिफरेंस में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सपोज अगर आपका ये कोई एक नॉर्मल क्रोमोसोम का सेट है XNX और XNX है, राइट, ये पेयर के फॉर्म में है, तो अगर आपको यहाँ पे नलिसोमी दिखाना होगा तो आप कैसे दिखाएंगे, तो 2n-2 मतलब एक जो नंबर ऑफ पेयर होगा मीन्स दो जो क्रोमोसोम्स होंगे क्या होंगे मिस हो जाएंगे, तो आप यहाँ सिंपली सिर्फ XNX दिखाएंगे, ये आपका क्या कहलाएगा दैट इज अ नलिसोमी, राइट। ऐसे ही अगर आपको 2n-1 दिखाना होगा तो सपोज आपके ये नंबर ऑफ नॉर्मल नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं दो पेयर में, और अगर आपको यहाँ पे मोनोसोमी दिखाना है तो आप क्या दिखाएंगे, एक पेयर तो आपका ठीक रहेगा, दूसरे पेयर का एक जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा वो मिसिंग हो जाएगा, मतलब ये जीरो हो जाएगा, तो उसको आप क्या बोलेंगे दैट इज द मोनोसोमी, राइट। ट्राइसोमी की अगर हम लोग बात करें तो सिमिलरली यहाँ पे ऐसे हो जाएगा कि आपका ये जो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स है ये नॉर्मल है और अगर आप यहाँ पे ट्राइसोमी दिखा रहे हैं तो बेसिकली ये इस तरीके से एक पेयर जो होगा आपका वो नॉर्मल होगा, दूसरे वाले पेयर में एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे आपके एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, सॉरी फॉर दैट, एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, राइट। तो इस कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं दैट इज द ट्राइसोमी। ओके टेट्रासोमी का मतलब क्या होगा, टू क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ क्रोम क्या होंगे ऐड हो जाएंगे, मतलब अगर आपका ये नॉर्मल कंडीशन है लाइक इस तरीके से तो इसका टेट्रासोमी अगर आपको दिखाना रहेगा तो सपोज ये नॉर्मल है तो यहाँ पे क्या होगा कि एक ये नॉर्मल कंडीशन रहेगा, दूसरे वाले में आपके दो क्रोमोसोम्स क्या होंगे वो ऐड हो जाएंगे, तो सिचुएशंस को हम क्या बोलेंगे दैट इज द टेट्रासोमी। तो ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट से भी समझ सकते हैं कि इनका क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, राइट। अब हम लोग देखते हैं अब नॉर्मलिटीज की वजह से होने वाले सिंड्रोम को। ओके तो पहले इसको हम रफ कर देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक मेरा सवाल है डिजीज एंड सिंड्रोम से,
हम लोग किसी भी सिंड्रोम के लिए डिजीज टर्म यूज नहीं करते हैं या फिर डिजीज के लिए सिंड्रोम यूज नहीं करते हैं। तो क्या बेसिक डिफरेंस होता है सिंड्रोम में या डिजीज में? जैसे सपोज टाइफाइड एक डिजीज है, कोई सिंड्रोम नहीं है, एड्स एक सिंड्रोम है, राइट? तो ये सिंड्रोम का जो टर्म दिया जाता है उनके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या उनमें डिफरेंस है, ये आपको समझना जरूरी हो जाता है, राइट? डिजीज में और सिंड्रोम में। तो सिंड्रोम को सिंपली अगर हम लोग बायोलॉजिकल भाषा में डिफाइन करने की कोशिश करें तो उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं दैट इज ग्रुप ऑफ डिफरेंट डिजीज या डिफरेंट सिम्पटम्स, राइट? नोटिस कीजिए, जब किसी भी पेशेंट, जो भी, जब भी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भी कोई पेशेंट अगर एचआईवी से सफर करता है तो क्या उसके पास कोई एक सिम्पटम्स होते हैं? नहीं। एचआईवी के केस में बेसिकली क्या होता है कि आपका पूरा पूरा इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो उस वीक वाले पर्सन में कुछ भी परेशानी आएगी, चाहे उसको कोल्ड हो जाए, चाहे उसको फीवर हो जाए, चाहे वो कहीं से वुंडिंग हो जाए, कुछ भी अगर होगा तो वो बेसिकली उसको क्योर नहीं कर पाता है, राइट? उसकी रिकवरी नहीं कर पाता है। तो दैट इज भाई वहाँ पे कई सारे डिजीज के लक्षण क्या होते हैं वो आ जाते हैं। सपोज एक डिजीज ये है, एक डिजीज ये है, मान लीजिए ये कोल्ड है और ये फीवर है, ये वुंडिंग है, राइट? स्पॉलेज हो रहा है। इन सबका जो मतलब एसोसिएशन होगा, मतलब जो कॉम्बिनेशन होगा, उसको मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द सिंड्रोम बोलते हैं, राइट? तो सिंड्रोम जो टर्म यूज किया जाता है वो तब यूज किया जाता है कि जब मोर देन वन या मल्टीपल्स डिजीज के सिम्पटम्स दिखाई देने स्टार्ट हो जाएं तो उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, दैट इज द सिंड्रोम बोलते हैं। तो देखते हैं कि इन सभी सिचुएशन से क्या सिंड्रोम होता है। ओके, तो सिंड्रोम पॉसिबल है कि बेसिकली आपका सेक्स क्रोमोजोम्स में के वजह से हो सकता है, मतलब जो डिसऑर्डर्स हैं, और या तो फिर आपका ऑटोसोम की वजह से हो सकता है। तो पहले देख लेते हैं ऑटोसोम्स में अगर होगा तो क्या क्या होगा। सो ऑटोसोम्स में अगर ये अबनॉर्मलिटीज हो जाती है तो उनको क्या बोलते हैं, उनका क्या क्या कंडीशन है, इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, राइट? नाम आपने सुना होगा डाउन सिंड्रोम, ये एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बड़ा कंफ्यूज भी करता है। दूसरा आपने पूछा होगा, सुना होगा पटाउन सिंड्रोम, राइट? और तीसरा आपने सुना होगा एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम ये ऐसा सिंड्रोम है जो कि एग्जाम्पल किसके आते हैं, दैट इज द ट्राइसोमी के। किसके आते हैं? ट्राइसोमी के। तो ट्राइसोमी का मतलब क्या हुआ कि आपका जो सिंपल सेट ऑफ क्रोमोजोम्स होगा उससे एक नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स क्या होंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो कौन कौन से नंबर पे ये आपके होते हैं ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, राइट? तो आपको यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए मैंने एक पहले इनको आप देख लीजिए कि कौन कौन से क्रोमोसोम पे नंबर पे होता है। यहाँ पे मैं क्रोमोसोम का नंबर लिख देता हूँ। तो डाउन जो सिंड्रोम होता है वो बेसिकली किस पे होगा, दैट इज द 21 पे, ट्राइसोमी अगर हो जाए। और पटाउन सिंड्रोम जो होता है किस पे होता है, दैट इज द 13 पे। और एडवर्ड सिंड्रोम किस पे होता है, दैट इज द 18 पे। सो ऑटोसोम्स के क्रोमोसोम नंबर 21 पे अगर ट्राइसोमी हो जाएगा तो इसे क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम। अगर 13 पे अगर हो जाएगा क्या बोलेंगे, पटाउन सिंड्रोम। और 18 पे अगर हो जाएगा क्या बोलेंगे, उसे एडवर्ड सिंड्रोम। तो आपको ये याद तो रहता है कि हाँ ये वाले क्रोमोजोम्स होते हैं, लेकिन आपको मैच कराने में कभी प्रॉब्लम हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है कि पटाऊ वाला 21 था या 18 था या 13 था। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे कोड दे देता हूँ, पेड, राइट? तो आपको इससे थोड़ा सा आसानी होगी। पेड का मतलब पी फॉर पटाऊ जो कि 13 है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। इसके बाद ई फॉर एडवर्ड जो कि क्या है, 18 है। और इसके बाद डी क्या है, दैट इज द डाउन जो कि 21 है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा तो आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और पेड आप बहुत अच्छे से याद भी रख सकते हैं, पीईटी, राइट? तो ये सीक्वेंस आपका इस तरीके से होगा, 13, 18, 21। ओके, तो पेड जो है वो एक डिफरेंट सिंड्रोम का एक ग्रुप बना दिया मैंने यहाँ पे, दैट इज द पटाउन सिंड्रोम एंड एडवर्ड सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम, जो कि क्रोमोसोम नंबर पे क्या हो रहा है, दैट इज द ट्राइसोमी का फेनोमेना हो जा रहा है। तो यहाँ से आपको तीन क्वेश्चन बनेंगे। नंबर पहला, डाउन सिंड्रोम क्या है, इसमें क्रोमोसोम के नंबर कम होता है या ज्यादा होता है? नाम से लगता है डाउन मींस कम होना, बट एग्जैक्टली होता क्या है, अपर होता है। मींस यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हाइक हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। कौन से क्रोमोसोम नंबर पे, 21 पे। तो पहला सवाल आपका आएगा, डाउन सिंड्रोम कैसा एग्जाम्पल है, नलीसोमी, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी? सो आंसर इज ट्राइसोमी, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड वन, किस क्रोमोसोम नंबर पे पाया जाता है, तो आंसर इज 21, राइट? ऐसे ही आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, पटाउन सिंड्रोम किसका एग्जाम्पल है, किस पे पाया जाता है? तो इसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पे बना के दे दिया। पेड जो होगा आप उसको याद रखिए, पी फॉर पटाउन, ई फॉर एडवर्ड एंड डी फॉर डाउन। तो सबसे कम होगा कौन सा, 13,
13, 18, 21, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, राइट। तो ऑटोसोम्स में ट्राइसोमी की वजह से होने वाले ये कुछ सिंड्रोम्स हैं जिसको मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, डाउन सिंड्रोम, पटाउन सिंड्रोम एंड एडवर्ड सिंड्रोम। ओके, अब देखते हैं सेक्स क्रोमोजोम्स में अगर होगा तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। सिंड्रोम का जो मतलब था मैंने आपको बता दिया कि इसको क्यों हम सिंड्रोम बोलते हैं, दैट इज द ग्रुप ऑफ सिम्पटम्स और ग्रुप ऑफ डिफरेंट डिजीज, राइट, दैट इज नोन एज द सिंड्रोम। और डिजीज जो होता है कोई सिंगल चीज का सिम्पटम्स देता है, कोई सिंगल साइन देता है। जैसे अगर आपको टाइफाइड हुआ है तो टाइफाइड का सिंबल आएगा, राइट, आपको मलेरिया हुआ है तो मलेरिया का सिंबल आएगा। लेकिन अगर एक साथ में कई सारी चीजों का अगर आ जाता है तो हम बेसिकली क्या बोलते हैं, दैट इज द सिंड्रोम बोलते हैं। ओके, अब अगर ये जो एबनॉर्मलिटीज है अगर वो सेक्स क्रोमोजोम्स में हो जाएगा तो क्या कंडीशन होगा, उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, उसको यहाँ पे देख लेते हैं। सेक्स क्रोमोजोम्स के लिए तो सेक्स क्रोमोजोम्स के लिए दो टर्म आता है, दैट इज क्लीन फिल्टर सिंड्रोम और इसके बाद टर्नर सिंड्रोम। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अगर मेल का कंडीशन होगा, जैसे सपोज टर्नर जो सिंड्रोम होता है उसके लिए जो क्रोमोजोम्स रिप्रेजेंट करते हैं कैसे करते हैं, टर्नर सिंड्रोम, राइट। तो टर्नर के लिए हमारा जो वो हो जाता है वो एक्स एंड नॉट हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं मोनोसोमिक एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, मोनोसोमी का। तो मोनोसोमी का मतलब होता है 2n-1, राइट। तो बेसिकली फीमेल में ये होने वाला, तो पहला सवाल आपसे बनता है टर्नर सिंड्रोम किस में होता है, तो फीमेल मीन्स एफ में, और ये एग्जाम्पल किसका था, दैट इज द मोनोसोमी का, मतलब यहाँ पे क्रोमोजोम नंबर क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका जीनोटाइप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स नॉट या एक्स जीरो से, राइट। दूसरा आपका आता है दैट इज द क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, क्या आता है, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, स्पेलिंग आप लोग देख कर लिख लीजिएगा, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, ये मेल में होता है और ये बेसिकली एग्जांपल किसका, दैट इज द टेट्रासोमी का। किसका एग्जांपल है, टेट्रासोमी का। तो मेल को नॉर्मली हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दैट इज द एक्स एंड वाई से, कैसे करते हैं, एक्स एंड वाई से। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स एक्स एंड वाई वाई, इस तरीके से क्रोमोजोम्स बन जाते हैं, या आपका ये भी बन सकता है एक्स एक्स और एक्स एंड वाई, इस तरीके से भी हो सकता है, राइट। तो टेट्रासोमी का एग्जाम्पल है और मेल में ये होता है, किसमें होगा, दैट इज द मेल में होगा, और ये एग्जाम्पल किसका, दैट इज द टेट्रासोमी का, राइट। तो ये आपके एबनॉर्मलिटीज हैं, और ये वाले जो मेल होते हैं उनमें फीमेल के कैरेक्टर्स आ जाते हैं, और ये वाले जो फीमेल्स होते हैं उनमें मेल के कैरेक्टर्स आ जाते हैं। इसी एबनॉर्मलिटीज को बेसिकली हम लोग नाम देते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम से सफर करने वाली जो गर्ल्स होती हैं उनके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो डेवलप्ड नहीं होते हैं, अनडेवलप्ड होते हैं, दैट इज वाई वो उनका जो लुकिंग अपियरेंस होता है वो एग्जैक्टली मेल की तरह दिखने शुरू हो जाता है, राइट। उनके पास जो कैरेक्टर्स आते हैं फिनोटिपिकली देखने वाले वो मेल जैसे हो जाते हैं। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम में जस्ट उल्टा होता है, ऐसे मेल कैंडिडेट्स इनके पास फीमेल जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप अगर होने शुरू हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम बोलते हैं, राइट। तो क्लीन फिल्टर सिंड्रोम बेसिकली एक टेट्रासोमी का एग्जाम्पल है, जबकि टर्नर सिंड्रोम एक मोनोसोमी का एग्जाम्पल है, जबकि पटाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम ये सब किसके एग्जाम्पल है, ट्राइसोमिक एग्जाम्पल है, राइट। तो ये आपने यहाँ पे अच्छे से देख लिया और समझ भी लिया, तो होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो सवाल जहां जहां से बन सकते थे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि कहाँ कहाँ से पॉसिबिलिटी आपका बनता है। सो दैट्स ऑल गाइज फॉर टूडेज वीडियो, होपफुली ये आपको काफी हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में, और ये काफी न्यूमेरिकल पोर्शन था आपको ध्यान में रखने के लिए, फॉर्मुलेस का, क्रोमोसोम्स के नंबर का, कॉम्बिनेशन का, कौन कौन सा डिजीज किसकी किसकी वजह से हो रहे हैं। ओके, तो आप अच्छे से इसको वीडियोस को देख के समझ लीजिए। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरीज अगर इस वीडियो से है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, मैं उसे आपके सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।